Hello all, good morning all my HHF members and friends. मैं हूं आपका host and दोस्त डॉक्टर मिथुन लड़ीवाला from नागपुर HHF. So बहुत बहुत खुशी की बात है. हमने देखा है कि HHF की अकेडमी खुलने वाली है. बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है. So इसकी डिटेल्स आपको जल्दी मिलेगी, सारी डिटेल्स जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है. सो स्टे ट्यून्ड. एंड बहुत अच्छे फीडबैक्स आए मुझे फर्स्ट वीडियो पे, बेलेडोना लेकेसिस. सो हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट रेमेडी जो कि बहुत क्लोज है बेलेडोना और लेकेसिस से. ओके सो कैसे हम इसे रूल आउट करेंगे ये हमें सीखना है आज. बेलेडोना और लेकेसिस को कैसे रूल आउट करेंगे और ये तीसरी रेमेडी देंगे. कई बार इनिशियल प्रैक्टिस में बेलेडोना देने के बाद भी फेलियर मिला है. फिर लेकेसिस सीखा हमने, लेकेसिस देने के बाद भी फेलियर मिला है. तो ये कौन सी रेमेडी है जो ये दोनों के जैसी है पर ये नहीं है. तो ये रेमेडी का नाम है स्पॉन्जिया टोस्टा. ओके सो आज हम पढ़ेंगे हाउ स्पॉन्जिया इज डिफरेंट फ्रॉम बेलेडोना लेकेसिस. ओके सो अगेन जस्ट लाइक बिफोर, फर्स्ट वी विल डिस्कस, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये तीनों में, अब पहले वो दो की बात थी बेलेडोना लेकेसिस, अब ये तीनों में कॉमन क्या है जो हमें कंफ्यूज करता है कि ये हाँ हमने पहले कई बार स्पॉन्जियास को हमने बेलेडोना दिया है और लेकेसिस दिया है या अदर कोई चेयरफुल रेमेडी जो भी होगी वो हमने दी है. ओके सो पर वो फेल हुई है और फिर बाद में हमने स्पॉन्जिया सीखा. मैंने स्पॉन्जिया सीखा डॉक्टर मयूरेश महाजन सर से, पल्लवी चतुर्वेदी मैम से. तो वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ और मैंने काफ़ी केसेस क्योर किए इससे. और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अब स्पॉन्जिया से काफ़ी केसेस निकाले. लास्ट केस मैंने डिस्कस किया था मेरे थर्सडे सेशन में स्पॉन्जिया का. होप सो आपको समझा होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ रेफर करिए थर्सडे सेशन फेसबुक लाइव पे. ओके वो टॉपिक्स भी मैं यहाँ रिपीट करूँगा पर उसमें काफ़ी डिफरेंशिएशन लिया है मैंने बाकी तीन रेमेडीज में जो कि सेम है स्पॉन्जिया के साथ उनके फैसेट्स में. ओके जैसे ओपीएम और कोक्युलस लिया था मैंने स्पॉन्जिया के साथ, तो स्पॉन्जिया का एक फैसेट ओपीएम और कोक्युलस से मिलता है. ओके सो वो आप रेफर करिए, उसमें भी काफ़ी डिटेल में है पर मैं यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स बोलूँगा. और आज हम स्टार्ट करेंगे How spongia belladonna and lekesis looks like in our OPD. ये सेम लगते हैं पर है नहीं. तो सिमिलर चीजें क्या है ये तीनों में, पहले वो देखेंगे तब हमें समझेगा कि डिफरेंट क्या है. ओके सो क्या सिमिलर पॉइंट्स है ये तीनों में. ये तीनों रेमेडी क्विक टू एक्ट है, ये फास्ट काम करती है, रिएक्ट फास्ट करती है. क्विक टू एक्ट, एक्ट मतलब कोई भी चीज में एक्शन में आना. ओके और ये तीनों रेमेडी क्लैरिटी ऑफ माइंड में है. ओके क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसा उठाएंगे हम लोग रूब्रिक. क्लैरिटी मतलब एक क्लियर विजन होता है माइंड में कि ऐसा ऐसा होने पे ऐसा ऐसा होगा. ठीक है ना, कोरोना आया है. ओके हमें दिख रहा है कि 125 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 1% लोग ही तो मरे हैं ना. सभी को होने की गारंटी नहीं है, है ना. तो सब मरने वाले ऐसा भी नहीं है, तो डरने की क्या जरूरत है. ओके दिस इज क्लैरिटी. तो ये अब बल्कि ये जो सोचने वाला है उसके आसपास लोग मर रहे हैं हाँ, पर ये इतना क्लियर होता है. ठीक है ना, हो जाएगा ना. ठीक है, कोई मरने वाला नहीं हूं मैं, हो जाऊंगा, हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर की ट्रीटमेंट लूंगा मैं, ठीक हो जाऊंगा. इट्स क्लियर, क्लैरिटी ऑफ माइंड. तो
ऐसे होते हैं ये तीनों बंदे, बेनोवेलेंस, बेनोवेलेंस मतलब दूसरों की हेल्प करना, बट ये उद्देश्य से कि मुझे वापस मिलेगा कुछ, ये बेनोवेलेंस होता है। ये तीनों भी है, तीनों भी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखेगा, पॉजिटिवनेस में सिंपैथेटिक है तीनों भी, करेजियस है तीनों भी, आइडियाज अबंडेंट वाले हैं, हाँ, और डिल्यूजन विजन्स हैज, ये रूबरी है, डिल्यूजन विजन्स हैज, मतलब विजन मतलब दूर, विजन आई हैड अ विजन दैट राव सर हैज अ विजन दैट वन डे आई विल डू दिस एंड इफ वी वर्क लाइक दिस, हम मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ये विजन था उनका जो आज पूरा हो रहा है। तो ये तीनों रेमेडी में भी विजन है, वो आगे का सोचते हैं, ठीक है, बट ये तीनों फ्रिवोलस, तीनों भी फ्रिवोलस है, अगेन इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बेलाडोना भी फ्रिवोलस है, लैकेसिस भी फ्रिवोलस है, और स्पॉन्जिया भी फ्रिवोलस है, बिंदास, कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं, ओके, आगे का कुछ सोचना नहीं है, फ्यूचर का कुछ सोचना नहीं है, क्या करना है, ओके, कुछ समय के लिए, ओके, और तीनों भी वाइवेशियस है, जोर जोर के हंसी मजाक करना, हंस के बात करना, आवाज आएंगी इनकी हंसने की, ठीक है, जोर जोर से हिल के हाथ हिला के बात करना, जेस्चर्स दिखेंगे, ये वाइवेसिटी होती है, वाइवेसिटी में पूरी बॉडी मूवमेंट्स दिखता है आपको, अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, तीनों को मजे मस्ती चाहिए, तीनों लाफिंग सिली, कोई भी बात पे हंसना, कोई भी बात पे, हर छोटी बात पे हंसना, इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं कि ये बेलाडोना होगा, है ना, ये लेकेसिस हो सकता है, मोस्टली बेलाडोना से कंफ्यूज होगा, लाफिंग सिली मर, तीनों भी प्लेइंग डिजायर टू प्ले में है, ओके, तीनों भी, अब जैसे मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये स्पॉन्जिया का एक्शन कैरेक्टर है, ये हाथ हिलाएगा, ऐसे हंसेगा, ऐसा बात करेगा, बिल्कुल पूरे मतलब पूरे जेस्चर के साथ बात करेगा, हंसेगा, आपको हंसी आएगी उसको देख के, उसको सुन के मजा आएगा, है ना, ट्रेवलिंग डिजायर फॉर, अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, जेस्टिंग हंसी मजाक करना, तीनों भी हंसी मजाक करने वाले, एक्जिलरेशन वाले है, और तीनों भी फुलिश बिहेवियर इन चिल्ड्रन, तीनों भी फुलिश बिहेवियर इन चिल्ड्रन में है, इसलिए हमें हमें ये ध्यान से देखना है, ध्यान से हमें पकड़ना है कि ये स्पॉन्जिया है, कि कैसे करोगे, बेलाडोना और लेकेसिस में मैंने आपको बताया था, तो सेम ये तीनों के लिए, लेकेसिस को तीनों में से रूल आउट करना है, तो एम्बिशन और केयर सिलेक्ट करना है हमें, ओके, बेलाडोना में और स्पॉन्जिया में कोई एम्बिशन नहीं है और केयर वगैरह नहीं होता है, तो ये दोनों लेकेसिस आप उठा सकते हैं फटाक से, ये आपको जो क्रॉस क्वेश्चन करके या बता के कि ये कैसा है, केयर कर सकता है, दूसरों की केयर करता है क्या, और बहुत ध्यान रखता है क्या, जैसे मैंने बताया कि न्यू रेपर्टरी में आपको लेकेसिस ऐड कर दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग सीरियसली, बट वो आउट ऑफ केयर फुल ऑफ है, अदर्स अबाउट, रिलेटिव अबाउट, पेशेंट को लेके आएगा, तो ये सब लेकेसिस करता है, पर बेला और स्पॉन्जिया नहीं है, ओके, और कैसे है, ये तीनों सेम, तीनों को एलिमेंट्स गुस्से की वजह से आते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, तीनों को कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंट ऑफ में है ना, आपका ये रिवाइज हो रहा है बेलाडोना लेकेसिस प्लस स्पॉन्जिया के साथ, तीनों भी दिखेंगे कि इनको कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और तीनों भी इम्पर्टिनेंस और इंसोलेंस में है, दोनों भी रूब्रिक काफी एकदम सेम है, पर ये दोनों का मीनिंग ये होता है, इम्पर्टिनेंस और इंसोलेंस तीनों भी है इसमें, मतलब जब हम किसी ऑनरेबल पर्सन व्यक्ति को पब्लिक के सामने रूडली बात करेंगे तो ये इसे इंसोलेंस कहा जाता है, यानी ऑनरेबल पर्सन कौन हो गया, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, जिसे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उन्हें हमेशा इज्जत और रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, और जैसे हमारे टीचर्स हो गए, या हमारे से बड़े लोग हो गए एज में रिस्पेक्टेड, बड़ा भाई बड़ी बहन या एल्डर्स जो भी लोग हैं रिस्पेक्टेड पर्सन, पर इम्पर्टिनेंस और इंसोलेंस वाले इनसे, ऐसी पर्सनालिटी से, ऐसे लोगों से रूडली बात करते हैं पब्लिक के सामने, यानी जैसे सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर ये तीनों भी है रेमेडी आपके सामने बैठी है और इसके इनके साथ कोई
इनके साथ अगर आप कोई आईपीआर आता है, यानी जैसे बच्चे के साथ मम्मी आ रही है, फादर आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे सामने भी लेकिन से शायद सबसे लेट करेगा, क्योंकि वो टिमिडिटी पब्लिक अपीयरिंग में है। और बेलाडोन और स्पॉन्जिया लेकेसिस भी कर सकता है, पर बेलाडोन और स्पॉन्जिया डॉक्टर के सामने मम्मी से रूडली बात कर लेंगे एकदम, जो कि नहीं करना चाहिए। दिस इज इंसोलेंस एंड इम्पर्टिनेंस लाइक, ओके। और ये तीनों रेमेडी ऑब्स्टिनेट है, बहुत जल्दी ऑफेंड भी हो जाती है, बैलिशियस भी होती है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है, और कॉन्ट्रेरी है, तीनों भी कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब, कॉन्ट्रेरी रूब्रिक कब उठाओगे आप लोग, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्ट करने वाला, ओके, एग्जैक्टली अपोजिट। ये अगर हमें कॉन्ट्रेरी कैसे मिलेगा आईपीआर से, उस पेशेंट का जो साथ में आएगा पर्सन, वो बोलेगा सर इसको अगर मुझे ये, एक मैंने बुक्स में पढ़ा था कहीं कि कॉन्ट्रेरी रूब्रिक कब उठाना, तो आप सबसे शेयर कर लो कि पेशेंट का जो आईपीआर होगा, फैमिली पर्सन जो हिस्ट्री देने वाला, वो ये बोलेगा कि अगर हमें इससे कुछ करवाना है तो हमें उल्टा बोलना पड़ता है, कि अगर बैट बोलेंगे तो ये मुझे इसको उठाना है तो मैं उसको बोलूंगा बैट तो ये उठेगा, ठीक है। ये बिहेवियर होता है कॉन्ट्रेरी, यानी एग्जैक्टली उल्टा करता है, क्योंकि वो तो, और माँ बोलेंगी बच्चे को अरे बेटा पढ़ाई कर ले आज मत खेल, तो नहीं मैं तो खेलूंगा ही, तो आज मतलब वो खेलेगा ही, या उसको बोलेंगे बैठ तो वो उठेगा, यानी ऊपर अपोजिट अपोजिट एक्शन करने वाला, उसको बोलेंगे आज नहीं जाना तूने तो वो जाएगा बाहर, तो उल्टा, ये दिस इज कॉन्ट्रेरी, उल्टा एग्जैक्ट रिएक्ट करने वाला। इसलिए आईपीआर को अगर उसको मनाना है तो उल्टा बोलना पड़ता है सीधा करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉन्ट्रेरी, सेम विद कॉन्ट्रेरी विद पेरेंट्स है, ठीक है, वो अलग रूब्रिक है, पर मैं कॉन्ट्रेरी समझा रहा हूँ। एंड ये तीनों भी रेमेडी जो लिबर्टिनिज्म में है, मतलब आउट ऑफ मॉरल वैल्यूज जाके काम करने वाले, आजादी चाहिए इनको, ओके। बट अब ये आप समझ गए कि ये फैसेट्स हमको तीनों में कॉमन मिलेंगे, जो मैंने रूब्रिक्स बताया, ये कॉमन चीजें है, ठीक है। जैसे लिबर्टिनिज्म, अम्यूजमेंट डिजायर, प्लेइंग डिजायर टू प्ले, ये सारे रूब्रिक्स तीनों में कॉमन है, इसलिए हमें स्पॉन्जिया से बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये स्पॉन्जिया है कि नहीं, पर स्पॉन्जिया अलग कैसे है वो हम देखेंगे आज, ओके। स्पॉन्जिया अलग क्या करता है ये दोनों से? स्पॉन्जिया के दो तीन अलग अलग फैसेट्स है। एक फैसेट मैंने बताया आपको कि बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत एक्सप्रेशन जेस्चर से बात करने वाला, तो ये हो गया। और दूसरा फैसेट है कंटेंट एंड क्वाइट, ओके। तो ये दोनों भी फैसेट हम डिस्कस करेंगे आज। और तीसरा फैसेट होता है डर वाला, बहुत डर होता है स्पॉन्जिया में। तो ये तीनों भी, ये सब फैसेट्स हम स्पॉन्जिया के हम आपसे डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसको आप कैसे रूल आउट करेंगे, कैसे पकड़ेंगे स्पॉन्जिया पेशेंट को? तो स्पॉन्जिया पेशेंट ना आपके ओपीडी में जब आएगा, तो कई बार डायरेक्ट ऐसा हो सकता है वो, आप बात कर रहे हो पेशेंट से अपने, वो बगैर परमिशन लिए अंदर भी घुस सकता है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी कर सकता है वो आपके ओपीडी में आके, ठीक है। हंसी मजाक करेगा, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करेगा, बाहर आएगा। मैं अपनी ये लाइफ प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस किए हैं मेरी प्रैक्टिस में। मेरी रिसेप्शनिस्ट से बहुत सारी बातें करेगा, जो मन चाहे कुछ भी पूछ लेगा, बिंदास एकदम, कोई शर्म नहीं, कुछ भी पूछ सकता है वो। अरे डॉक्टर साहब कितना कमाते हैं? अरे डॉक्टर साहब आते कि नहीं बरोबर, टाइम पे आते कि नहीं, क्या करते हो? अरे मुझे सुनाई दे रहा है, पर वो बिंदास लगा है। तो ये इस टाइप की एक्टिविटी मैंने, बहुत ज्यादा वाइवेशियस होता है स्पॉन्जिया, एक एक फैसेट उसका, तो ऐसी एक्टिविटी वाला है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, एक स्पॉन्जिया पेशेंट मेरा, मेरे पास एक केस चालू था यहाँ पे, वो एक बच्ची थी, तो माँ उसकी हिस्ट्री दे रही है मुझे, और वो बच्ची को हमने बाहर बैठा दिया है, ओके। तो वो बच्ची मेरे ग्लास से ऐसा देख रही है, ठीक है। तो मदर मुझे इशारा करे, देखो बोले कैसा देख रही, बोले वहां से, ठीक है। वो स्पॉन्जिया नहीं थी, ठीक
ठीक है, वो ऐसा देख रही है, वो बच्ची है ऑफ कोर्स, वो देखती है। बच्चे लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कैन बी हायोसाइमस हो सकते हैं, जिनको क्यूरियोसिटी आती है अंदर क्या चल रहा है, या फियर इंजरी हो सकता है, क्या भाई मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्या, कुछ करेंगे क्या, ये जो भी है। तो वो क्यों देख रही थी, उतने में एक स्पॉन्जिया मेरा पेशेंट आया, ओके, वो उसकी एज 35+, और वो आया, वो भी कांच में से ऐसा देख रहा। तो हम दोनों हंसने लगे, मैंने बोला ये देखो ये तो बच्ची है, अब इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, 35 ईयर्स एज, ठीक है, वो अच्छा वो देख रहा, वो कौन है पर्सनालिटी। वो आर्मी में था, और आर्मी में होने के बावजूद भी, मतलब आर्मी मतलब डिसिप्लिन, सिंगल वर्ड, ओके, आर्मी इज डिसिप्लिन, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा देख रहा था। तो हमें हंसे निकल गए, बोला मैंने उसकी मदर को बताया, आप अपने बच्चे को बोल रहे देखो ये ऐसा देख रही, अब इसको क्या बोलूंगा। तो हमारी हंसी निकल गई। तो स्पॉन्जिया के एक्टिविटी से या तो आपको बहुत गुस्सा भी आ सकता है, या बहुत हंसी भी आ सकती है, बिल्कुल आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस वो एक्शन करता है, बिना सोचे समझे, फ्रीवोलस, बिंदास, ओके। तो ये ऐसा स्पॉन्जिया होता है। और स्पॉन्जिया कैसा होता है, स्पॉन्जिया का एक स्पेशल रूबरी है, एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस विथ, ओके। तो ये रूबरिक को वो समझना पड़ेगा हमें, तब हमें समझ में आएगा इसको उठाना कैसा। तो एब्सेंट माइंडेड मतलब अपनी ही धुन में, इसको कुछ समझ ही नहीं रहा ऐसा अपन को लगेगा। और इन एडवर्टेंस, इसको वर्ड को तोड़ो, एडवर्टेंस इज रिलेटेड विथ एडवर्टाइज, ठीक है, मतलब जिससे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं ना, जो हमें या बताता है, नॉलेज देता है, या अपने प्रोडक्ट की जानकारी देता है, मतलब कुछ एक्सप्रेस करता है। और तो इन एडवर्टेंस मतलब जो एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हिंदी में अगर मतलब समझेंगे तो असावधानी, यानी मम्मी आवाज दे रही है, बेटा वो रिमोट लेके आया, रिमोट लेके आया 3 बार 4 बार 5 बार, ये भाई अपना मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है। यानी माँ या पेरेंट्स की या आईपीआर की ये कंप्लेंट रहेगी, सर इसको कितना भी कुछ बोलो ये अपने ही धुन में पड़ा रहता है। तो इससे आईपीआर को क्या चीजें हो सकती है, आईपीआर क्या बोलेगा, यार ये बहुत बेपरवाह है, इसको कोई लेना देना नहीं। या पूरी लाइफ में भी ऐसा एब्सेंट माइंडेड इनवर्टेंस भी बोल सकते कि यार सर ये 17 साल का होते हुए आ रहा है, इसके साथ वाले कहाँ के कहाँ पहुंच गए, और ये आज भी वीडियो गेम खेलने में लगा हुआ है, मतलब ये लाइफ में भी एब्सेंट माइंडेड है, इनएडवर्टेंस में है, ठीक है। आना कानी करना कोई भी काम करने के लिए, या सुनना नहीं तो असम्मान हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब अगर पेरेंट्स की नहीं सुनेंगे ऐसा इग्नोर करेंगे किसी भी पर्सनालिटी की, यानी इग्नोर करना जैसा हो गया, सामने वाले को लगेगा ये इग्नोर कर रहा है, ऐसा लग सकता है, या ध्यान नहीं दे रहा है, या बेपरवाह है, ये फीलिंग आईपीआर को आएंगी इन एडवर्टेंस में, अपने धुन में लगे रहना। जरूरी नहीं है वो कुछ बोलेगा या चिल्लाएगा, लेकिन अपने में मस्त, दिस इज एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस, ओके। अब स्पॉन्जिया क्यों बीमार होता है, सबसे पहले, ठीक है, स्पॉन्जिया चाहता है लिबर्टिनिज्म, आजादी, स्पॉन्जिया का थीम है ये, मैंने सोचा है, ठीक है, डोंट मेक अ रूल, ये मैंने सोचा है, जियो और जीने दो, मुझे जीने दो, आप जियो, आपको जो करना है वो करो, मस्त रहो, मुझे मस्त रहने दो, ये स्पॉन्जिया का ये फील आएगा, ठीक है। उससे स्पॉन्जिया ईगोटिज्म में नहीं है, ठीक है, स्पॉन्जिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में नहीं है, स्पॉन्जिया ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में नहीं है, ठीक है, स्पॉन्जिया हॉटी नहीं है, स्पॉन्जिया को किसी के बोलने से निग्लेक्टेड फीलिंग में नहीं है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पूछो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ नहीं बोलो वो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे अपने मर्जी से, स्पॉन्जिया का फील ये है, मुझे अपने मर्जी से मेरा काम करने दो, मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर करेंगे रोक टोक तो रिएक्ट कैसा करेगा वो, या तो एब्सेंट माइंडेड इनएडवर्टेंस रिएक्शन, सुनेगा ही नहीं, अपने में लगे रहेगा, या दूसरा एंगर, ठीक है, एंगर बहुत गुस्सा होता है, पर स्पॉन्जिया जो है वो दिल वाला बंदा है, ओके। सो इसका जो एंगर रहेगा वो अल्टरनेटिंग विथ चीयरफुलनेस रहेगा,
एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस, उसको पछतावा हो जाएगा, अरे यार क्यों गुस्सा किया, जानते इससे माफी मांग लेते, उसको बोल देते अरे यार ठीक है यार, हाँ ठीक है चलो गलती हो गई यार माफ कर दे छोड़, ठीक है। एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस, ऐसा रहेगा। ओके सो एलिमेंट्स फ्रॉम, तो इस बीमार क्यों होगा ये, ठीक है, इस एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रीमांड्स, इसके बिहेवियर के वजह से ना, ऐसे वजह से इसको बहुत डांट पड़ती है, ठीक है, और इस कारण से ये बीमार हो जाता है। ओके और एक मैंने जैसे बताया कि एंगर अल्टरनेटिंग विद चीयरफुलनेस विद क्विक रिपेंटेंस, एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, ठीक है, और एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, और इतना गुस्सा है, इतना उसको गुस्सा है कि उसके वो एक रूबरी है कि उसके विल के अगेंस्ट कोई गया, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं हुआ, उसके सॉरी विशेस के अकॉर्डिंग, उसने विश रखा कि मुझे ये करना है ऐसा करना है और वो नहीं हुआ, तो वॉयलेंट एंगर में जाता है। एंगर वॉयलेंट थिंग्स डजेंट गो एज ही विशेस वैन, एज ही विशेस वैन, मतलब अकॉर्डिंग टू उसकी सोच के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से, अगर सिचुएशन नहीं बढ़ रही है आगे तो उसे वॉयलेंट एंगर आता है, ठीक है, और इसीलिए वो अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहता है, उसे किसी की परवाह नहीं है, वो सिंपैथेटिक है, बिनोवलेंस है, अगर मतलब उसके पास कोई हेल्प मांगने के लिए आएगा पूछेगा तो वो कर देगा, ठीक है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ओके लैकेसिस और वो लेवल तक जाता है, ठीक है, बेलाडोना तो बिल्कुल नहीं करता, अनरिलायबल इन हिज प्रोमिसेस में, दूसरों के लिए कुछ नहीं करता वो, ठीक है, इसीलिए वो बेनोवलेंस में, उसका को जब काम रहेगा तब कर लेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये अवेयरनेस हाइटेंड में है, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, और हाइटेंड जैसे हमने कहा डिस्कस किया क्लैरिटी ऑफ माइंड, बहुत क्लियर है माइंड से, वैसे ही इसे मालूम है कि हाइटेंड मतलब बहुत ज्यादा, एक जागरूकता लेवल जो है इसका बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर का है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो बोलते हैं इसमें है ये, ठीक है, और पर एटीट्यूड कैसा है, हाँ बैड डिजायर टू रिमेन इन बेड, स्पॉन्जिया आ रहा, मन कहा ना जियो और जिनो दो, 12 बजे उठने का, बेड पे रह के काम करने का, आराम से काम करने का, जब चाहे तब काम करने का, है ना, जब मैं चाहूँ तब काम करूँ, ठीक है। एक मेरी स्पॉन्जिया पेशेंट थी, ठीक है, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसकी मदर प्रोफेसर रह चुकी है, और ये हाँ क्या कर रही थी वो, हाँ ट्यूशन जाती थी वो, तो ट्यूशन उसकी 6 बजे की होती थी डेली, और ये डेली डांट खाती थी मदर से, और डेली 6 बज के 6 बजने को 5 मिनट कम पे ही उठती थी, डेली 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 रोज गाली खाती थी, रोज ट्यूशन में लेट पहुंचना इसकी आदत थी। ओके तो ये इस मतलब ये बोलने के बाद भी नहीं सुधरते, उनको जैसा करना है वैसा ही करते हैं, ये स्पॉन्जिया का एटीट्यूड है। ओके और हमेशा चेंज डिजायर फॉर्म है ये, मतलब एक जगह नहीं टिकते इन लोग, ओके बिल्कुल भी, मतलब एक चीजों में भी नहीं टिकते, हमेशा चेंज चाहिए लाइफ में। ओके और बात करने में कैसे है, मैंने जैसे बताया कि इंसोलेंस में है, इंसोलेंस का मतलब मैंने समझा लिया, इम्पर्टिनेंस में है, विथ चीयर चीयरफुल विथ डिस्ट्रक्टिवनेस। ओके चीयरफुल विथ डिस्ट्रक्टिवनेस मतलब कैसा लेगा, मतलब हंसी 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 मजाक में सामने वाले के कपड़े उतार देगा वो, अरे यार तेरे को तू कैसा है, पूरी पब्लिक में बोल देगा, हाँ तू कैसा है यार, पांच तेरे पास कपड़े नहीं है कैसे कपड़े पहनता है तू, हाँ सबके सामने बोल देगा, जरा
अच्छा जा जा जरा सा कपड़े खरीद, अच्छे जाके, तेरे पास इतना पैसा है, क्या कर रहा तू है, क्या करेगा पैसे का? तो ऐसा बोल देगा वो बिंदास, चीयरफुल, मतलब ऐसा बोलेगा कि तुमको हंसी आएगी, चीयरफुल विद डिस्ट्रक्टिवनेस, ठीक है, अरे तुम्हारी पब्लिक में हंसी मजाक करते हुए कपड़े उतार देगा, दिस इज चीयरफुल विद डिस्ट्रक्टिवनेस, कंपनी डिजायर ऑफ अ फ्रेंड, दोस्त चाहिए इसको, हंसी मजाक करने वाला बंदा है, हमेशा दोस्त चाहिए, दोस्तों में रहने वाला, ठीक है, दिल वाला बंदा, ओके। और कन्वर्सेशन डिजायर फॉर, दूसरों से बात करना, कंपनी चाहिए, कन्वर्सेशन चाहिए, डांसिंग चिल्ड्रन, बट हाँ, इससे हमेशा ये डर होता है कि मुझे कहीं से भी धोखा मिल सकता है, या मुझे धोखा मिला है, डिल्यूजन डिसीव्ड बीइंग, मतलब इससे ना लोग बहुत मजाक में लेते हैं, और इसका जो बिहेवियर है उसके वजह से लोग इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एक्चुअली दोनों बिहेवियर, एक कंटेंट एंड क्वाइट वाला जो बिहेवियर है, और ये जो हंसी मजाक वाला बिहेवियर है, या उसका जो इंसोलेंस, जो एब्रप्ट बिहेवियर है, इसके लिए हाँ ठीक है, ये तो ऐसा ही है यार, ये तो, इसको तो जरूरत नहीं है, इसको तो कुछ मतलब इसको कोई नीड नहीं है, इसलिए ये हमेशा उसको फील होता है डिल्यूजन ही शी इज नॉट अप्रिशिएटेड, और यार ये मेरा यूज करके चले गया, या मुझे धोखा दे दिया, डिल्यूजन बीइंग डिसीव्ड, ये फील होता है, ठीक है, और शी इज बीइंग वॉच्ड, ये फीलिंग है इसके अंदर, स्पॉन्जिया के अंदर, डिल्यूजन शी इज बीइंग वॉच्ड, मेरे पे हमेशा नजर रहती है, क्यों क्यों है ऐसा, क्योंकि ये जो है ना मनमर्जी वाला बंदा है, तो जैसे अगर लड़की भी होंगी, अगर सपोज स्पॉन्जिया, तो ये दोस्तों में घूमना आना जाना, एक मेरे पेशेंट है जिसके बीइंग अ गर्ल ये ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जहां बहुत रिस्ट्रिक्शंस है कि लड़कों के साथ रहना होगा, लेकिन इसके पूरे दोस्त पूरे बॉयस, ओके सब दोस्त, यानी उसका नेचर ही वैसा है, वाइवेशियस, किसी से भी इजीली बात कर लेना, ठीक है, समवॉट लाइक क्रोकस सटाइवस, स्पॉन्जिया भी, ठीक है, लेकिन एक मतलब जल्दी दोस्त बना लेना, बात कर लेना, लेकिन हाँ एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप लैकेसिस से कैसा डिफरेंशिएट करोगे स्पॉन्जिया को, स्पॉन्जिया जो है ना लोकेसिटी में नहीं है, ठीक है, लैकेसिस बहुत बड़बड़ा होता है, ठीक है, ये मजाकिया होता है पर बहुत बड़बड़ा नहीं होता, स्पॉन्जिया लोकेसिटी रूब्रिक में नहीं है, चीयरफुल वाइवेशियस है, कंपनी की फ्रेंड में है, बिंदास बोलने वाला है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ स्पॉन्जिया जो है ना किसी से भी इजीली फ्रेंडशिप कर लेता है, और जैसे वो पेशेंट थी तो वो दो लड़कों के साथ ही जाता रहती थी, तो और इनको हमेशा लिबर्टिनिज्म में रहना है, मस्ती में रहना है, अम्यूजमेंट करना है, प्लेइंग डिजायर टू प्ले में है, तो इनको ऐसा हमें फीलिंग रहता है यार, जब भी कहीं जाती हूँ यार मुझे मेरे पीछे ही लगे होते हैं, मेरे पे नजर ही होती है, तो इनकी जो एटीट्यूड होता है आजादी वाला, इसके कारण इन पे ये पूरा फोकस होता है, ठीक है, सो हाँ, सो और हाँ, तो एक जो नेचर हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ये हो गया बिंदास वाला, और दूसरा नेचर जो है वो फियर वाला, इनको बहुत सफोकेशन फील होता है, स्पॉन्जियस को सफोकेशन कैसा फील होता है, आईपीआर इनको सफोकेट कर डालता है, इन पे रोक रोक टोक लगता है आईपीआर, और इन क्योंकि इनको बहुत सेम मैंने जो बताया, मजे मजा मस्ती आजादी चाहिए, तो आईपीआर रोकने को देखता है, नहीं तू आज बाहर नहीं जाएंगी, तू जल्दी वापस आएंगी, तुम जल्दी घर आओगे, आज तुम पार्टी में नहीं जाओगे, इसको जैसा मैं चाहूँ वैसा चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, पर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, अगेन स्पॉन्जिया इज इन ऑल्सो डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, ठीक है, यानी वो आया तो मतलब सब लोग हिल जाएंगे, मालूम पड़ जाएगा आईपीआर को, भैया ये बंदा आ गया है, मतलब उसके डोरबेल से या उसकी आहट से, उसकी गाड़ी की आवाज से, व्हाट इज टॉकिंग इन एयर ऑफ कमांड, मतलब भाई इसकी हवा चलती है,
ये आया तो पता चल जाता है, दिस इज एयर ऑफ कमांड, मतलब आने से ही पता चल जाता है कि भैया ये आ गया है ना, इतना ये डिक्टेटोरियल होता है, डर होता है इसका। ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटी को भी दबाते हैं अगर कोई, तो उसे सफोकेशन होता है फील। ओके, तो इसीलिए ये फियर सफोकेशन में है। और कैसा एटीट्यूड है स्पॉन्जिया का, तो उसकी जो ये हरकतें होती है ना, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऐसा यार आर्मी वाला होके भी ऐसा देख रहा है। अरे, और बाहर में रिसेप्शन को पूछता है, डॉक्टर साहब आज कितने बजे आए, लेट आ रहे क्या आजकल, बहुत। ठीक है, और अंदर ऐसा झांकने का, और सब पेशेंट यहाँ चालू है, पेशेंट मैं देख रहा हूँ, तो ये ना अगर आप लोग भी ऐसा पेशेंट देख रहे हैं, तो ऐसा डोर थोड़ा सा खोल के पूछ सकता है, डॉक्टर साहब कितना टाइम है आपको। ठीक है, तो ये जो हरकत है, इसको बोलते पर्ट। ठीक है, पर्ट मतलब उद्धट। ठीक है, उद्धट काम करना, बिल्कुल, मतलब आपको ऐसा फीलिंग आएगा इसको ये कस के झापड़ लगाना चाहिए, यानी होशियारी मारना। ये होशियारी मारा ना उसने, यहाँ मैं केस ले रहा हूँ, उसको मालूम है, तो उसको मालूम भी है, पेशेंट दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अरे डॉक्टर साहब कितना टाइम है आपको, पेशेंट देख रहे हो क्या, खत्म कब होगा, ये सब पूछ के चले जाएगा, है ना। अच्छा, मेरा दोस्त भी है वो, उसको मालूम है। ठीक है, फिर भी ऐसी हरकतें करता है, जो ऐसी हरकतें करने वाले होते हैं ना, वो क्लास में हम देखते हैं, सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, हर टाइम मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। एक मेरा पेशेंट था बच्चा, उसको मतलब सब आता है। ठीक है, जब भी टीचर किसी को पूछ रही, मैं बताऊंगा, यानी टीचर ने बोल दिया, बेटा आपने आंसर दे दिए, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं किसी और से पूछूंगी, वो देगा। तो नहीं, तो ये पर्ट गिरी बोलते हैं इसको, ये पर्ट, ऐसी हरकतें होती है हाँ, जिसमें आपको लगे यार ये बहुत अगाऊ है, यार ये बहुत होशियार है, ये जरूरत नहीं है इतना करने की, या आप उस पर गुस्सा हो जाओगे, या डांटोगे उसको। ठीक है, या आप हंसी आ जाएंगी, आपका रिएक्शन हंसी रहेगी, ये पर्ट हो गया। और कैसा है स्पॉन्जिया, पर्टिनेसिटी। अच्छा, ये जो मैं रूब्रिक्स बता रहा हूँ अभी, ये सारे बेलेडोना और लैकेसिस में नहीं है। ओके, ये सिर्फ स्पॉन्जिया के रूब्रिक्स है अभी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये स्पॉन्जिया में ही है, और ये देख के ही आप स्पॉन्जिया और को बेलेडोना और लैकेसिस से अलग कर सकते हो, है ना। और स्पॉन्जिया जो होता है वो ओवर एक्टिव होता है, दिन भर काम कर सकता है अगर वो चाहे, यानी सुबह से लेकर रात तक ओवर एक्टिव। एक्टिव कब तक होते हैं हम, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, या शाम के 8 बजे तक, दिस इज एक्टिव, एक्टिव पर्सनैलिटी। ओवर एक्टिव मतलब 10, सुबह 10 से रात के 12 तक के काम कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है अपने आप को, और उस बढ़िया मजे से, दिस इज ओवर एक्टिव। जब ऐसा कोई बंदा है, फिर वो फुल्ली एनर्जी वाइज, और रात को मतलब था, अपन आने के बाद जब थक के सो नींद आती है, ये भैया चलो पार्टी करेंगे, अरे भाई अभी तो आया ऑफिस से तू, 12 बजे थका नहीं क्या, मैंने इसमें इतनी एनर्जी होती है स्पॉन्जिया में, हैंस हम इसे ओवर एक्टिव ले सकते हैं एज अ रूब्रिक। ठीक है, पर्टिनेसिटी, ये बच्चे जो होते हैं ना, माँ बाप को परेशान कर देते हैं। ठीक है, इतने मतलब ऑब्स्टिनेट, जिद्दी बच्चे। पर्टिनेसिटी मतलब ऐसा पीछे लगने का, ऐसा पीछे लगेगा कि माँ बोलेंगे यार कैसा, मतलब करवा के रहने वाला दूसरे से। ठीक है, हाँ आप पापा, पापा मुझे आप चॉकलेट कब दिलाओगे, अच्छा आप मुझे कार कब दिलाओगे, बाप बोलेगा बेटा कल ले लेंगे अपन। ठीक है, हाँ चुप हो जाएगा, ओके ठीक है पापा, ओके। दूसरे दिन फिर से, पापा पापा आपने मेरे को बोला था ना कार दिलाओगे आप। ठीक है, फिर पापा ने कन्विंस किया, ठीक है बेटा दिला दूंगा, 2-3 दिन रुक जा। ठीक है, 3 दिन राह देखेगा, फिर पापा पापा मैंने आपको, आपने बोला था 3 दिन हो गए आपने, मतलब ये ऐसा पर्टिनेसिटी, मतलब वो करवा के रहता है दूसरों से। परसिवरेंस और पर्टिनेसिटी में यही फर्क है, परसिवरेंस में बंदा खुद काम करता है लगातार कंटिन्यू, कोई भी अपोजिट फोर्स आते रहे उसको धक्का दे के आगे बढ़ेगा। जैसे कि पेशेंट हमारे पास कंटिन्यू आते रहता है, भले ठीक नहीं हो रहा है, तो हम परसिवरेंस रूब्रिक उठाते हैं। पर्टिनेसिटी में बंदा आपसे करवा के लेगा कोई भी हालत में, और पीछे लगेगा।
ठीक है, परसिवरेंस में खुद से अपना एफर्ट लगा के पीछे लगता है काम खत्म करने के लिए, ठीक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, आगे जाने के लिए, लेकिन पर्टिनेसिटी में दूसरों से करवाता है। अरे करके दे, करके दे, करके दे, करके दे, करके दे, करके दे। माँ बोलेंगी डॉक्टर साहब ये है ना बच्चा यार, बोले ये ऐसा पीछे पड़ता है, ऐसा पीछे, यानी माँ प्रोसिक्यूशन में चले जाती, रिलीजन प्रोसिक्यूटेड बाय चाइल्ड, हिज ओन चाइल्ड, मतलब इसको जब तक दिए नहीं तब तक ये पूरा पागल बना डालता है। दिस इज पर्टिनेसिटी, ये स्पॉन्जिया ऐसा होता है, जिद्दी, ठीक है। इसलिए हमने देखे इसकी खांसी भी वैसी होती है, पीछे लग जाती, जो डिलीजन प्रोसिक्यूटेड में आ जाता है ये, ठीक है। इसकी खास जैसा पर्सनालिटी माइंड से है वैसा बॉडी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अब हमने ये शेड देख लिया, अब दूसरा शेड कैसा है जो मैंने आपको बताया कि मैंने थर्सडे सेशन में डिस्कस किया, जियो और जीने दो शांत, कंटेंट एंड क्वाइट, ठीक है। डायबिटीज पहुंच गया है 350, ये भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्री बोलस, कोई कंप्लेंट नहीं करता, कुछ नहीं करता, चलने दो, कोई फर्क नहीं। इस पर मैंने प्रिस्क्राइब किया था एक बार, ठीक है। थायराइड लेवल हमेशा हाई रहते थे, TSH ऑलमोस्ट अबाउट 35-45, ठीक है। कंटेंट एंड क्वाइट रूब्रिक से इसे ठीक किया था, क्योंकि कभी कोई कंप्लेंट नहीं करता था, टेस्ट भी नहीं कराता था, ना कुछ बोलता था, ना कुछ कुछ नहीं, ठीक है। हमेशा IPR लगा है पीछे, यार ये बहुत गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता ना तो बहुत बिल्कुल पागल बना डालता है, बिल्कुल क्या तोड़ देगा, क्या फेंक देगा, कुछ नहीं मालूम, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। वैसे बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, बहुत दिल के, बहुत नेक है, हेल्पफुल है, बहुत अच्छे हैं, पर गुस्सा आया ना तो पता नहीं, फिर बाद में सॉरी भी बोलते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है, खुद से ही सॉरी बोल देंगे, लोगों की बहुत हेल्प करेंगे, खुद की तबीयत की ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल, उनको पूछना पड़ता है क्या हुआ क्या हुआ, कुछ बताते ही नहीं, ना टेस्ट करने जाते। कंटेंट इन क्वाइट, फ्रीवोलस, एंगर वॉयलेंट, ठीक है, सिंपथेटिक, स्पॉन्जी, मतलब मुझे यार मेरे हाल पे छोड़ दो, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, मुझे पूछो मत, मुझे परेशान मत करो, ठीक है। तुमको कुछ करना है तुम करो, मेरे तरफ से कोई मना ही नहीं, पर मुझे मना मत करो, ठीक है। मेरे तरफ से तुम्हें कोई मना ही नहीं, पर मुझे मना मत करो, मुझे मेरा काम करना, ये स्पंजिया, ठीक है। दूसरा एक और पेशेंट में बताता हूँ स्पंजिया का, मेरे पास था एक, ये जो केस जो मैं डिस्कस किया था थर्सडे में, वो बता देता हूँ कि यार वो कुछ बोलता ही नहीं था, अच्छा अस्थमा में आ रहा है, फुल हाफ रहा, हाँ SpO2 77, ठीक है भाई, कोई कंप्लेंट ही नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा। माँ हमेशा ऐसी, हमेशा माँ को इतना टेंशन कि ये बताता ही नहीं है हमेशा कुछ भी, तो हमेशा उसको ऑब्जर्व करके बैठे रहती थी, और वो ऑब्जर्वेशन से इसको दिक्कत, लुक एट कैनॉट बियर टू बी लुक डेट, और दूसरा रूब्रिक डिलीजेंस शी इज बींग वॉच्ड, मतलब मुझे ये मत कर, वो मत कर, थक जाएगा, खेलेगा तो और थक जाएगा, ऐसा मत कर, वो मत कर, रोक टोक करता था, ठीक है। तो इसलिए और ही बीमार हो जाता था, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट ऑफ, है ना, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, और फिर लेकिन ये कैसा रिएक्शन, कंटेंट एंड कुछ बोलता ही नहीं था, मैं उसको पूछू क्या हो गया रे भाई, कुछ बोले ही नहीं, क्या हो गया भाई, कुछ बोले ही नहीं, ठीक। ऐसा कर करके दो तीन रेमेडी दे दिया, सब फेल, OPM दिया फेल, ठीक है, कोक्यूलस दिया फेल, प्लेइंग डिजायर टू प्ले, खुद में अकेले में खेलते रह जाए, ठीक है, तकलीफ में भी खेलता है, बोलता नहीं, ठीक है, इस हिसाब से दिया था। पोडोफाइलम दिया, अगेन फेल, पोडोफाइलम और स्पॉन्जिया बहुत क्लोज क्लोज आती है कंटेंट वाली फेस में, पर पोडोफाइलम हमें मालूम है कि ट्राइंकुलिटी रिकनसाइल टू फेट में चले जाता है वो, और उसका वायर रूब्रिक ये है हारमोनी डिजायर, ठीक है, पर यहाँ हारमोनी वारमोनी कुछ नहीं है, ठीक है, ये है जियो और जीने दो, ठीक है। लैकेसिस कैसा है, लैकेसिस परेशान नहीं करेगा किसी को, यहाँ वो कंटेंट और क्वाइट होके भी दूसरे को इनडायरेक्टली परेशान कर रहा है ना, लैकेसिस ऐसा नहीं है, खुद वो अलर्ट हो जाता है, क्विक टू एक्ट में है वो, इस चीज में अलर्ट है, ठीक है, ये एब्सेंट माइंडेड इनएडवर्टेंस में, अलर्ट में नहीं है, ये फर्क है। बेलेडोना बिंदास है, जब तक चल रही है गाड़ी चलने दो, नहीं चल रही है फिर जाओ डॉक्टर के पास, फिर दवाई खाओ, फिर चलने दो, ठीक है, उसका कहीं अटका फ्रीडम तो वापस डॉक्टर के पास जाएगा, फटाक से ठीक करो, कैरी डिजायर टू बी कैरी फास्ट, नहीं ठीक हो गया फिर मजे में, फिर पार्टी में, ठीक है। स्पॉन्जिया बोलता ही नहीं, कुछ चुप,
तो यहाँ आपको ओपियम, पुडोफाइलम, कोक्यूलस और आस्किंग नथिंग फॉर कंटेंट, ठीक है, और इससे डिफरेंशिएट करना है स्पॉन्जिया को, ठीक है। अगर ये सब फेल होती है तो आपको स्पॉन्जिया ध्यान रखना है, ओके। तो ये जो फीलिंग है, बहुत इम्पेशेंट होता है स्पॉन्जिया, ठीक है, कंटेंट तो है लेकिन जब वो वाला फेज फैसेड है, फटाक से चाहिए, मेरे को जाना है, इम्पेशेंट विथ हीट, मतलब जब गुस्सा आता है तो बहुत इम्पेशेंस हो जाता है फिर वो टाइम पे। और लाइट, डिजायर टू बी इन सनलाइट, सनलाइट उसका क्या है, हमेशा मैं फोकस्ड रहूं, मजे में रहूं, लाइट में रहूं, ये एक फैसेट है, पार्टी वाला फेस, बाहर जाना, अम्यूजमेंट वाला, लाइट डिजायर, आराम, मजे, मस्त, गोवा के बीच पे जाने का, सोने का, मस्त लाइट में बैठने का, लाइट में रहने का, ये स्पॉन्जियाटोस्टा। इन्हें इसके दो अपोजिट फैसेट्स है बहुत। तो ये बंदा जो होता है ना, ऐसे बिहेवियर, बिंदास बिहेवियर के वजह से ना, ये रैचर्ड में आ जाता है, मतलब इसकी दुर्दशा ऐसी हो जाती, ये बीमार क्यों होता है ना, इसको ये बांध दिया जाता है, ठीक है, सफोकेट हो जाता है इसमें वो, है ना, आईपीआर उसको रोक टोक करता है ना, तो वो उस खत्म हो जाता है पूरा, है ना, ऐसा है ये। विटी है, लेजी पर्सन, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, जैसा लेजी पर्सन, लेजी विथ कंटेंट, कोई पड़ी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए यार, खाना मुझे जब लगेगा मैं खा लूंगा, आपको लाने की जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगा, ठीक है। लाइफ में भी ऐसा ही, ठीक है, अरे कौन एम्बिशियस बने यार, कौन जाए, कौन फर्स्ट आए, पास होना है, खत्म है, ठीक है, उसके बाद जो करना है देख लेंगे, कर लेंगे अपन, ठीक है, कोई पड़ी नहीं है, नो एम्बिशन, ठीक है, क्योंकि कोई जेलसी नहीं है, ठीक है, कोई एनवी नहीं है, लेकिन इसको भैया दूसरों के हिसाब से चलना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, जेलेसी होके एम्बिशियस होना है, फास्टिडियस, ये सॉरी, एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम में है, नाम इसको कोई पड़ी नहीं है नाम की, ठीक है, बेलाडोना को भी नहीं पड़ी है, इसको भी कोई पड़ी नहीं, ऐसा है। तो और पर इसका जो डर है, एक बहुत बेहतरीन रूबरी है जिससे आप सर्च करोगे ये रूब्रिक डाल के, तो आपको एचएचए फील वाले ग्रुप पे, पल्लवी चतुर्वेदी मैम का, आई थिंक सो उन्हीं का, बट किसी और का भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा याद है कि उन्हीं का है, तो ये केस है, ड्वेल्स पास डिसअग्रेबल अकरेंसेस ऑन फ्राइटफुल सीन ऑफ सम मॉर्नफुल इवेंट ऑफ द पास्ट टॉर्मेंटेड बाय। इसका मतलब है कि ये बंदा हमेशा सोचते रहता है वो डर के बारे में जो उसने महसूस किया था, और वो थॉट से ये इसका माइंड टॉर्मेंटेड है, मतलब वो जा ही नहीं रहा, वो जो मैं डरा था, वो मैं जो बहुत डर गया था, और वो आज भी उसके कारण ये बीमार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वो केस में ऐसा था कि बच्चे लोग मिलके कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ हॉरर मूवी देखने का, बगैर पेरेंट्स को बताए, तो ये जो स्पॉन्जिया जो बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है उसका, तो वो डर जाता है, कुछ तो भी ऐसा खराब इवेंट हो जाता है और वो उसके दिमाग में रह जाता है, और हमेशा वो डरते रहता है, डर डर के, डर डर के वो बीमार रहता है। तो ये रूब्रिक सिंगल है, ठीक है, और हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट आवर प्रोफाउंडली, बट ये अपने आप को कैसा रखता है लाइफ में, हाई स्पिरिटेड, इसमें लेकेसी तो बेलडाना नहीं है, हाई स्पिरिटेड रखता है हमेशा, कुछ नहीं होता अपने को, मजा, मस्ती, पार्टी, एंजॉय करो, एक नंबर, चलने दो, हाई स्पिरिटेड, बीमार भी रहेगा तो हाई स्पिरिटेड, एकदम हाई स्पिरिटेड, मतलब अपन कब बोलते हैं हाई स्पिरिटेड, हाई मतलब ऊपर रखना, और स्पिरिटेड, स्पिरिट वर्ड की कब यूज करते हम, दैट्स द स्पिरिट, मतलब जब मरता हुआ आदमी कुछ ऐसा काम कर जाए, या जो हारता हुआ आदमी जी वो कर जाए, तो हम ये बोलते, दैट इज द स्पिरिट, चल खड़े हो, काम कर, जीत, दौड़। तो मतलब लाइफ में भी अपने में कुछ कमियां रहते हुए भी वो अपने आप को ऊपर रखता है, अपने स्पिरिट को हाई रखता है, वो हाई स्पिरिटेड होता है। तो स्पॉन्जिया भी बहुत हाई स्पिरिटेड पर्सन है। शेड ऐसा है कि जब वो कंटेंट और क्वाइट में होता है, ये कंटेंट और क्वाइट में होता है, तब उसे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। कई स्पॉन्जियाज जो होते हैं वो हमेशा अपने ही रूम में
पूरी लाइफ गुजार सकते हैं काम करके भी, ठीक है, एक ही रूम में, एक ही सिचुएशन में, कई दिनों तक के, ठीक है, कंटेंट क्वाइट, गोइंग आउट अवर्जन टू स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस ऑफ एग्रेवेशन, ठीक है, ये सब मतलब बाहर वालों से मिलना जुलना बंद, स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली, ओके, फैमिली से दूर। हमने देखा कोई फैमिली का इसमें रूब्रिक नहीं है, नो रूब्रिक, नो कंसर्न विथ फैमिली, ठीक है, कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा ना जी और जीने दो, दिस इज फॉर, ओके। और क्या बता सकता हूं मैं इसके बारे में, यस, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, टू माय ऑल मेंटर्स, ऑल HHF फ्रेंड्स, माय डियर वाइफ, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एवरी टाइम, एंड स्पेशली टू डॉक्टर मिलिंद राव सर, बिकॉज ऑफ हिम ओनली वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू ऑल, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप सो स्पॉन्जी आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज अगर पसंद आया होगा तो हिट द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब, शेयर टू एवरी वन, टू योर फ्रेंड्स, टू एवरी होम्योपैथ, अगर वो ये स्पॉन्जिया वीडियो देख के अगर अपने पेशेंट ठीक कर सके तो आई एम वेरी थैंकफुल, ओके, कमेंट मी, थैंक्स, बाय बाय।